Assalamu alaikum, grade 1. Good morning and have a nice day. I'm your teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Vulva. Today we are going to start our lecture number 11. लेक्चर नंबर 11 में आप लोग मुझे कल का लेक्चर रिवाइज कराएंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? वेरी गुड, हमने पढ़ा था कि ग्रेड 1 को कौन कौन सी चीजें पसंद है, ग्रेड 1 कौन कौन सी चीजें लाइक करती है। तो ग्रेड 1 ने बहुत सारी चीजें बताई। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला आई लाइक टू प्ले, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला आई लाइक टू रन, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला आई लाइक टू रीड, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला आई लाइक टू राइट। वेरी गुड। और कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था आई लाइक टू स्विम, कुछ ने बोला आई लाइक टू डाइव, और कुछ स्टूडेंट्स जो थे उनको ड्राइव करने का भी शौक। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये प्ले, रन, रीड, राइट, स्विम, डाइव, ड्राइव, यानी कि जो सारे वर्ड्स हैं, जो सारे काम हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड्स। और हमने क्या पढ़ा था कि इन एक्शन वर्ड्स को हम लोग वर्ब भी कहते हैं। ये सारे एक्शन वर्ड्स क्या हैं? वर्ब। तो आप लोगों ने आज फिर से इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आप लोगों ने अपनी कोर्स बुक ओपन करनी है, पेज नंबर 18। First of all, you have to maintain day and date. यहां से देखिए, I like to swim, I like to dive. One day I know, I'd like to drive. इसको यहां तक आपने 2 times revise करना है और उसके बाद आप लोगों ने next page पे आना, workbook open करनी है और सबसे पहले आप लोगों ने date और day maintain करनी है। और यहां देखिए, सर्कल द वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस दिए हुए हैं, इसमें से वर्ब को सर्कल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, आई रन इन द पार्क। तो ग्रेड 1 मैंने आपको बताया था कि वर्ब कौन से होते हैं? एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? जो भी काम हम कर रहे होते हैं वो। तो यहां देखिए, आई रन इन द पार्क, रनिंग, रन कर रहा है वो। तो रन करना क्या है? काम, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या होते हैं? वर्ब। तो हम क्या करेंगे? रन को सर्कल कर देंगे। अब नेक्स्ट मुझे आप सॉल्व करवाएंगे। नंबर 2, द चिल्ड्रन ईट आइसक्रीम। तो यहां पर बच्चे जो है वो ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम खा। तो क्या बोलेंगे आप इसमें? क्या चिल्ड्रन जो है वो वर्ब है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आइसक्रीम वर्ब है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है? Eat जो है वो एक्शन वर्ड है, तो ये वर्ब है। नंबर 3 पे देखिए, आई मेक माई बेड। आई मेक, मैंने बनाया। माई बेड, मेरा बिस्तर। तो यहां पर बनाना क्या है? वर्ब। तो वर्ब को आप सर्कल कर देंगे। नंबर 4 देखिए, कॉम योर हेयर एवरी डे। कॉम क्या होते हैं? बाल, बालों में कंघी करना या बाल बनाना। अपने बाल रोज बनाए। नंबर 5 देखिए, फिश लिव इन वाटर। मछली पानी में रहती है, तो फिश लिव रहती है, तो लिव क्या होगा? वर्ब। नंबर 6 पे देखिए, आई स्विम इन द रिवर। मैं दरिया में तैरता हूं, तो स्विम क्या होगा? वर्ब होगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 7, वी लिसन विद आर ईयर्स। मैं अपने कानों से सुनता हूं, तो क्या ईयर जो है वो वर्ब होगा? बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड ग्रेड 1। ग्रेड 1 कह रही है कि लिसन जो है वो वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 8 पे, बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। बच्चे रोते हैं जब वो भूखे होते हैं। तो देखें, बच्चों का क्या काम है? क्राई करना। यहाँ पे कौन सा वर्ड वर्क हो रहा है? क्राई करना। नंबर 9 पे देखिए, माई फादर वर्क्स इन सिडनी। मेरे फादर सिडनी में काम करते हैं, तो वर्क क्या होगा? वर्क होगा। नंबर 10 पे देखिए, पैंडास ईट बैम्बू शूट्स। तो पैंडा क्या ईट करता है? बैम्बू शूट। तो ईट करना क्या होगा? वर्क होगा। इसको करने के बाद
नेक्स्ट पेज ओपन करें, अपने रजिस्टर पे आप लोगों को मैं एक चीज की प्रैक्टिस करवाने। सपोज करें आप लोगों ने एक लाइन लिखनी हो, कुछ भी सपोज कर लें, आपने लिखना हो माई नेम इज आयशा अहमद, जो भी है आपने राइट करना हो। तो हम लोग कैसे राइट करते हैं, हम लोग फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लिखते हैं। जैसा कि मैंने लिखा माई नेम इज आयशा। अब यहां पर आप लोग देखिए फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर मैंने क्या किया, कैपिटल लिखा, और उसके बाद जो प्रॉपर नाउन होगा किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी सिटी या कंट्री का नेम हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। यहां पर देखिए आयशा का ए मैंने कैपिटल लिखा, और इसके एंड पे मैंने क्या लगाया, लाइन के एंड पे मैंने डॉट लगा दिया। और उसके बाद आई जो है स्टूडेंट्स जहां पर भी आएगा, मैंने आपको कल भी बताया था, आई सिंपल जहां पर भी आएगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, यहां देखें रीड द सेंटेंसेस, सर्कल द लेटर्स दैट शुड बी इन कैपिटल। हम लोगों ने उन लेटर्स को सर्कल करना है जो कि कैपिटल होने चाहिए। तो फर्स्ट लाइन देखें और मुझे साथ साथ बताएं, माई नेम इज एन। तो यहां पर फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए था, कैपिटल होना चाहिए था, तो हम इसको क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। और यहां देखिए एन जो है वो नेम है, तो नेम का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल कर देंगे। नंबर टू पे देखिए आई सी आ ब्लू काइट, तो यहां पर फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल है, हम क्या करेंगे, इसको भी कैपिटल कर देंगे। नंबर थ्री पे देखिए, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं कौन कौन से लेटर्स जो है वो कैपिटल करूं। एंड ही लिव्स इन दुबई, तो यहां पर क्या मैं लीव का एल कैपिटल कर दूं, सर्कल कर दूं इसको, बिल्कुल भी नहीं। यहां देखिए एंडी नेम भी है और फर्स्ट वर्ड भी है, तो इसका ए कैपिटल होना चाहिए, इसको हम सर्कल कर देंगे। यहां पर देखिए दुबई जो है वो बिल्कुल, दुबई भी जो है वो प्रॉपर नाउन है, कंट्री है, तो हम इसे क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर फोर पे आई वेंट टू द पार्क, तो इसका आई भी कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए को देखें, रीड द वर्ड्स बिलो दे बिगिन विद द सी एच साउंड, तो यहां पर बच्चे सी एच का साउंड आज हम पढ़ने वाले हैं, सी एच का साउंड चा, चा का साउंड आता है। लास्ट चैप्टर में हमने एस एच का साउंड पढ़ा था जो कि शाह का साउंड देता था, तो अब हम पढ़ेंगे चा, जिसमें मैंने शाह की साउंड में आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी शहरोज की। यहां देखिए चा की साउंड हम पढ़ेंगे चेन, चेर, चीज, चिक, चिल, चिन, चिप, चूज, चॉप, चॉकलेट। तो आप इसको मेरे साथ साथ ऐसे ही रिवाइज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी को देखेंगे, फिल इन द मिसिंग लेटर्स इन द वर्ड्स बिलो, इसमें हमने मिसिंग लेटर को फिल करना है। नंबर वन पे देखें तो हमने यहाँ क्या लगाना है, सी एच, ये क्या बनेगा, चिन, इन सब के साथ हमने सी एच लगाना है। यहां देखिए चेयर, चीज, चॉकलेट, यहां तक इसको डन करने के बाद आप लोग नेक्स्ट पेज खोलेंगे, अपनी नोटबुक्स ओपन करेंगे, डे राइट करेंगे, डे लिख डेट लिखेंगे, होमवर्क को टिक करेंगे, और टॉपिक है वर्ड्स ओपोजिट, W फॉर वर्ड्स एंड O फॉर ऑपोजिट। एक साइड आप लिखेंगे वर्ड्स और दूसरी साइड आप लिखेंगे ऑपोजिट। तो प्यारे बच्चों वर्ड्स ऑपोजिट का क्या मीनिंग होता है, कि हमें एक वर्ड दिया हुआ है तो हमने उसका ऑपोजिट लिखना है। तो फर्स्ट वर्ड है लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, तो लाइक का ऑपोजिट क्या होगा, वेरी गुड ग्रेट वन वंडरफुल, लाइक का ऑपोजिट होगा डिसलाइक। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है न्यू, न्यू का ऑपोजिट क्या होगा, न्यू का ऑपोजिट होगा ओल्ड। इसको इस पे राइट करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे आप, और नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल इस तरह डे लिखेंगे, डेट लिखेंगे, होमवर्क को टिक करेंगे, और टॉपिक होगा वर्ड्स सिनोनिम, लाइन लगाएंगे यहां से, एक तरफ आप लिखेंगे वर्ड्स और दूसरी तरफ आप लिखेंगे सिनोनिम। फर्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल, तो ग्रेड वन ब्यूटीफुल का मीनिंग क्या होता है,
Yes, very good. Beautiful meaning, खूबसूरत. तो synonym का मतलब होता है कि उस word का हमने English meaning लिखना होता है. तो beautiful का क्या होगा English meaning? Very good, beautiful, pretty. अगला word है dive. Dive होता है गोता लगाना और उसका English meaning होगा plunge. उसके बाद आप लोग next page open करेंगे और इस पे हम राइट करेंगे डिक्टेशन वर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल डेट मेंटेन करेंगे, डे डेट डे डेट होमवर्क और टॉपिक होगा DIC.words डिक्टेशन वर्ड्स. और फर्स्ट वर्ड है स्विम, SWIM स्विम. नेक्स्ट वर्ड है डाइव और आखिरी लफ्ज है, आखिरी वर्ड है नो. स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस पूरे पेज पे इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद आज का सारा काम रफ रजिस्टर पर जुबानी लिखना है और मामा को चेक करवाना है. अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो.